असलकम सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज ये हमारा नाइनटीन लेक्चर है पिछले लेक्चर में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में बात शुरू की थी और फाइल हैंडलिंग में हमने सिक्वेंशल एक्सेस फाइल्स के बारे में कुछ डिस्कशन की थी सिंपल कैरेक्टर फाइल्स एंड व्हेन आई से सिक्वेंशल एक्सेस विच मींस के जी कुछ चीज़ हम पहले लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे रैंडमली नहीं लिखेंगे और इसी तरह पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद वाली चीज़ें पढ़ेंगे फिर उसके बाद वाले कैरेक्टर्स या बाइट्स पढ़ेंगे लेकिन रेंडमली नहीं पढ़ेंगे आज हम जरा अपनी फ़ाइल्स की डिस्कशन की स्कोप जो है उसको बढ़ाते हैं और अब हम रेंडम एक्सेस फाइल्स के बारे में भी आज बात करेंगे कुछ जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किए या जो प्रॉपर्टीज़ हैं फाइल स्ट्रीम्स की उनकी हमने बात की उनके ज़रा रिकैप करते चले हमने देखा था कि जी फाइल को खोलते कैसे हैं उसके लिए एक ओपन फंक्शन होता है और फिर क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन होता है दीज आर ऑल फंक्शन देर फोर दे हैथिस एंड दे टेक आर्गोमेंट्स क्लोज ऑफ कोर्स डज नॉट टेक एन आर्गोमेंट ओपन के साथ हमने कहा था कि जी फाइल को खोला जाता है तो वो पढ़ने के लिए भी खोल सकते हैं और लिखने के लिए भी खोल सकते हैं अगर पढ़ने के लिए खोलेंगे तो अगर तो वो उसकी टाइप है आई एफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम तो फिर फाइल का नाम बता देना ही काफ़ी है उसका डिफॉल्ट ओपन मोड जो है वो पढ़ने के लिए है यानी इनपुट के लिए है हाँ अगर आप चाहें तो एडिशनल आर्गूमेंट दे दें कि जी ओपन के बाद फाइल का नाम दे के कॉमा आई ओ एस कोलन कोलन इन दैट मीन्स इनपुट के लिए खोल रहे हैं लेकिन ये लाजमी नहीं है ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इनपुट फाइल स्ट्रीम का आउटपुट फाइल स्ट्रीम के अंदर वी हैव सेवरल ऑल्टरनेटिव अगर हम ओपन करें फाइल को फॉर आउटपुट तो हम कह सकते हैं कि जी इसको इस तरह से खोलें कि जी पहले जो चीज़ें बीच में लिखी हैं वो ज़ाया हो जाएं। दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आउटपुट के लिए आप फ़ाइल खोलेंगे तो दैट मीन्स जो फ़ाइल में पहले चीज़ें पड़ी हुई थी वो फ़ॉन ज़ाया हो जाती हैं ऑन द अदर हैंड अगर आप चाहें कि जी वो ज़ाया ना हो और आप फ़ाइल जहाँ तक लिखी गई है उसके बाद में आप कुछ लिखना चाहें तो उसको अपेंड मोड के अंदर खोलें उसके लिए क्वालिफायर जो आता है वो आई ओ एस कोलन कोलन ए पी पी शॉर्ट फॉर अपेंड ट्रंकेट जो है ये एक और क्वालिफायर है टी आर यू एन सी ये डिफ़ॉल्ट मोड के साथ है कि फ़ाइल खुली हो और उसको ट्रंकेट करके उसकी लेंथ को जीरो कर दिया जाए और फिर जो भी लिखेंगे उसमें नए सिरे से लिखा जाएगा अगर आप फाइल को खोलना चाहते हैं लिखने के लिए और चाहते हैं कि एक पोजिशन भी हो लेकिन आप आगे पीछे जहाँ मर्जी लिख सकें तो उसके लिए क्वालिफायर था एट ई एट एंड मेंट फाइल को खोलें और फाइल को पोजिशन करें एट एंड और फिर वहाँ से लिखना शुरू कर दें वरना आगे पीछे लिख सकते हैं उसके बारे में भी आज बात होगी ओपन और क्लोज़ के अलावा हमने बात की थी कि जी इसको लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं वो जो फंक्शंस थे उनके लिए हमने एक तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर की बात की थी कि अगर गेट करें फाइल से तो एक कैरेक्टर पढ़ा जाता है अगर पुट करें तो एक कैरेक्टर लिखा जाता है कैरेक्टर को यू शुड इंटरप्रेट इट एज अ बाइट ऑन द अदर हैंड हमने देखा था क्योंकि ये स्ट्रीम्स हैं तो सी इन और सी आउट वाला बिहेवियर भी इनके लिए वैलिड है तो आप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन या स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर्स यानी वो डबल लेस दैन साइन या डबल ग्रेटर दैन साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भी हम आगे चलेंगे और कुछ और जो है प्रॉपर्टीज़ आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे आज फिर एक फंक्शन था गेट लाइन जो कि फाइल में से पूरी एक एक लाइन उठा के पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि जी कितने कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और फिर उसका डिलिमिटर क्या होगा गेट लाइन के साथ आपको जो ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि जब आप बताते हैं कि जी इसमें से दस कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो वो एक्चुअली नौ पढ़ेगा बिकॉज इट इज़ हैंडलिंग इट लाइक अ स्ट्रिंग अगर वो स्ट्रिंग पढ़ रहा है तो फिर वो दसवां कैरेक्टर अपनी तरफ से बैक स्लैश जीरो नल कैरेक्टर उसके अंदर अपेंड करेगा सो यू शुड एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड सी वॉट हैपन्स कि अगर आप कहें कि जी गेट लाइन के साथ टेन कैरेक्टर्स पढ़ो आर्गूमेंट दे दें तो वो टेन पढ़ता है कि नाइन पढ़ता है डिटर्मिनेट फॉर योर सेल्फ आज लेट्स गो एंड टॉक लिटल बेट अबाउट फाइल पोजिशन और क्योंकि हमने रेंडम एक्सेस फाइल्स की बातें करनी हैं तो आगे पीछे फाइल को कैसे किया जाता है पहली चीज ये है कि जी जब हम आगे पीछे की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी फाइल में चीजें कहीं पे भी हम लिखना चाहते हैं तो देर हैज बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ कि जी इस वक्त हम फाइल में कहाँ हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दर इज़ अ कॉन्सेप्ट फाइल पोजिशन अ पॉइंटर इन टू द फाइल सिंगी इस वक्त आप पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ना शुरू होगा या अगर आप लिखेंगे तो कहाँ से फ़ाइल में लिखना शुरू होगा उसके लिए ये जो फाइल पोजिशन पॉइंटर है इसको डिटर्मिन करने के लिए ये कहाँ पर है हमारे पास दो फंक्शनस हैं इसको आप आसान और अच्छा तरीका जो है इसको याद रखने का वो ये है कि जब हम फाइल से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम अ फाइल ठीक है ना गेट और अगर हम लिखना चाहते हैं तो वी वॉन्ट टू पुट समथिंग इन टू अ फाइल ये इस वास्ते मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये नाम जो हैं फंक्शंस के बड़े ऑब्वियस हैं अगर आप कहें हमारे पास लेट से एक फाइल है जिसको हमने ओपन किया हुआ है विद द स्ट्रीम कॉल्ड माई फाइल तो अगर आप कहें कि जी माई फाइल डॉट टेल जी टी ई एल एल जी ये कह रहा है कि जी ये बताओ कि इसकी गेट पोजिशन कौन सी है ठीक है जी इज फॉर गेट टेल मीनस बताओ सो माई फाइल डॉट टेल जी रिटर्न एन इंटेजर अ होल नंबर ठीक है नॉर्मली इट्स अ लॉन्ग क्योंकि फाइल्स कैन बी वेरी बिग इट रिटर्न होल नंबर विच टेल्स यू द पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वुड बी रेड फ्रॉम द फाइल ये भी ख्याल रखें नेक्स्ट कैरेक्टर सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइल खोलते हैं

यह फंक्शन भी लॉन्ग ही रिटर्न करता है और बताता है कि जी वो फाइल में कौन सी पोजीशन है जहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर लिखा जाएगा सो टेल जी एंड टेल पी आर वेरी वेरी यूजफुल फंक्शन नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ हाउ टू पोजीशन आर सेल्स इन अ फाइल ठीक है अभी तो हमें ये पता चला कि जी अगर हमने पढ़ने के लिए फ़ाइल खोली है तो वो बिगिनिंग में पोजिशन होगी लिखने के लिए खोलें तो डिपेंड करता है कि किस तरह खोली है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ज़ीरो लेंथ की फ़ाइल होगी और बिगिनिंग में फाइल पॉइंटर जो है वो पढ़ा होगा लेकिन सपोज़ कि हम चाहते हैं कि जी एक फ़ाइल खोली जाए और उसका सौवें कैरेक्टर से रीडिंग शुरू की जाए तो हाउ डू वी डू दैट उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं विचार सीक जी एंड सीक पी तो सीक जी जो है वो कहता है कि जी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है या बाइट जो है वो कहाँ से पढ़नी है सीक गेट उसको पोजिशन करने के लिए उसको आपको एक आर्गूमेंट देना पड़ता है लॉन्ग किस्म का यानी कितनी बाइट्स मूव करें लेकिन जब भी मूव की बात आती है तो वो रिलेटिव मूव होता है कि जी कहाँ से मूव करना है शुरू से मूव करना है अखीर से मूव करना है जहाँ पे आप हैं वहाँ से मूव करना है ठीक है ना सो इफ़ यू थिंक ऑफ अ फाइल बीइंग दिस लॉन्ग एंड यू आर करेंटली ओवर हेयर इन द फाइल आपने कुछ पढ़ ली हैं चीज़ें तो जब भी आप सी जी फंक्शन कॉल करें तो यू हैव टू टेल इट कि जी शुरू से यहाँ तक मूव करो या यहाँ से इतनी बाइट्स आगे मूव करो या अखीर से इतनी बाइट्स पीछे को मूव करो एज ए रिज़ल्ट जब मैंने पीछे की बात की तो यू विल रियलाइज़ कि सीख के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव बताया जा सकता है कि किधर को मूव करना है पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड इन द फाइल जहाँ पे भी आप हैं या जहाँ से भी आप इंडिकेट करते हैं वहाँ से आप आगे को जाते हैं और अगर आप नेगेटिव नंबर दे दें तो जहाँ पे भी आप हैं या जहाँ से भी आप बताते हैं वहाँ से पीछे को फाइल के अंदर मूव किया जाता है इसका प्रॉपर सिंटेक्स जो है वो इस तरह का है कि जी लेट्स से सीख जी को हम ले लेते हैं सीख गेट को तो सीख जी के बाद आप एक लॉन्ग नंबर देंगे लॉन्ग अगेन बिकॉज फाइल कैन बी सो लॉन्ग और सो लार्ज कि जी इंटीजर के साथ वो वैल्यू पूरी नहीं आएगी सो आप एक लॉन्ग होल नंबर देते हैं उसके बाद आप बताते हैं कि जी कहाँ से सो आप कहाँ से बताने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शनस हैं या फाइल का शुरू या जहाँ पे आप हैं या फाइल का एंड इनके नाम जो हैं बिल्कुल ऑब्वियस हैं ये आई या इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर डिफाइंड हैं और आपको बेहतर है कि जी आप वो डेफिनेशन ही इस्तेमाल करें सो वी विल से समथिंग लाइक सीख जी टेन या टेन कैपिटल एल विच मीन्स टेन लॉन्ग कॉमा उसके बाद हम लिखते हैं आई ओ एस कोलन कोलन बी ई जी दैट मीन्स फ्राम बिगिनिंग आईओएस तो आईओ सिस्टम हो गया और उसका ये एक मेंबर इंडिकेटर है कि जी आईओएस कोलन कोलन बेग बी ई जी मीन्स बिगिनिंग से इतनी बाइट्स मूव करो अगर हम कहें आईओएस कोलन कोलन सी यू आर इट मीन्स करेंट पोजिशन जो भी है फाइल में वो आप टेल जी से हासिल कर सकते हैं करंट पोजीशन से इतनी बाइट्स मूव करो अगर टेन एल हमने कहा है तो दस बाइट्स आगे को मूव होगा अगर आप माइनस टेन एल कर देते हैं तो वो पीछे को मूव होगा और आखिरी चीज़ अगर आप कह दें आई ओ एस कोलन कोलन एंड ई एन डी तो दैट मीनस फाइल के एंड से मूव करो नॉर्मली हम फाइल के एंड से पीछे को मूव करते हैं क्योंकि आगे को फाइल नहीं होती ये भी ख्याल रखें कि जब हम फाइल पढ़ रहे हैं तो आप फाइल की बिगनिंग से पीछे को नहीं जा सकते और फाइल के एंड से आगे को नहीं जा सकते यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट एट यूर सेल्फ़ प्रोग्राम लिखें फाइल के एंड पे जाएं और कहीं दस बाइट्स आगे जाओ उसके बाद आप फिर टेल जी फंक्शन कॉल करके देखें कि जी अब फाइल पोजीशन पॉइंटर कहाँ पे है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आप मूव किए हैं कि नहीं किए वेरियस फ्लैग्स हैं फाइल हैंडलिंग के लिए वो भी सेट हो जाते हैं सो यू कैन प्ले विद दीज फंक्शन एंड फाइंड आउट वॉट द टेल यू वन ऑफ़ द यूजफुल थिंग्स यू कैन डू विद दीज फंक्शन इज टू फाइंड आउट कि जी फाइल की लेंथ क्या है देखें स्ट्रिंग्स के लिए याद होगा आपको हमने एक स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आपको बताया था लाइब्रेरी में आपको साथ मिलता है एस टी आर एलियन और वो रिटर्न करता है कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर न स्ट्रिंग कुड हैव इन एन एरे हैरेट सपोज कि आपकी एरे की लेंथ हंड्रेड कैरेक्टर्स थी लेकिन उसके अंदर आपने लिख दिया वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो तो सौ कैरेक्टर्स लंबा नहीं है लिहाजा एरे के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो छोटी है अगर उस एरे को स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को पास करें तो वो बताएगा कि जी अंदर जो इसके स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसकी लंबाई क्या है यही चीज़ फाइलों पे भी अप्लाई करती है कि फाइल जो है वो बजाते खुद लंबी हो सकती है लेकिन उसके अंदर वैलड डेटा जो है उससे कम भी हो सकता है कोई वजह आपको पता है क्यों कम हो सकता है वाई शुड द फाइल साइज एज़ रिटन ऑन टू डिस्क be greater than the actual data contained in the file another the answer lies in a little bit of a side story but let me tell you Dekhen, mention tha, they can be mentioned tha disks are electromechanical devices therefore they are very slow as compared to the electronics they are in a microprocessor or ram vaga they have both these disks slow hai. जब डिस्क को हम लिखना या पढ़ना चाहते हैं तो अगर उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखें तो इट इज़ वेरी वेरी वेस्टफुल ऑफ कंप्यूटर टाइम इसी तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना भी जो है वो भी वेस्टफुल है इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएँ अगर हम कहें कि जी हम उस पर फाइल लिखना चाहते हैं और फाइल की लेंथ है फिफ्टी बाइट्स तो क्या हम फिफ्टी बाइट्स की फ़ाइल बना दें डिस्क के ऊपर और फिर नेक्स्ट फाइल जो लिखी जाए वो फिफ्टी फोर्थ बाइट से से डिस्क पोजिशन के अंदर वहाँ से शुरू हो आंसर इज दैट इट सेल्फ इज वेस्ड फॉर एंड इट्सो नाइट मेयर इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग कि जी ये फाइल कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हो गई और नेक्स्ट फाइल कहाँ से शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी एज अ रिजल्ट हमारी जो डिस्क हैं दे आर डिडेड इन टू लॉजिकल ब्लॉक्स नॉर्मली वही टू टू पावर्स चल रही होती हैं तो सिक्सटी फोर इज़ अ पावर ऑफ़ टू थर्टी टू इज़ अ पावर ऑफ टू वन टवेंटी एट इज़ अ पावर ऑफ़ टू तो कोशिश ये होती है कि जी डिस्क जो है वो एक पावर ऑफ टू के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दी जाए और ब्लॉक्स का साइज़ जो है दैट शुड बी द मिनिमम साइज़ दैट कैन बी रेड और रिटन टू द डेस्क हमारी फाइल्स के अंदर आप देख लेंगे मतलब वो फिर आ जाते हैं थोड़े से इंट्रो टू कंप्यूटिंग वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि जी डिस्क की ऑर्गनाइजेशन क्या है बट टिपिकली आप समझ लें कि जी होल चंक्स लिखे जाते हैं अब जब फाइल के लिए हमने डिस्क के ऊपर जगह बनानी है तो हम उसके लिए 53 बाइट्स की जगह नहीं बनाते हम एक चंक बनाते हैं और वो बाकी जगह जो है जो फाइल से बड़ी है ऑब्वियसली छोटी तो नहीं हो सकती अदरवाइज़ यू बी राइटिंग योर डेटा डेटा लूज हो जाता सो नॉर्मली फाइल का साइज़ जो है वो डेटा रिटर्न से बड़ा होता है वेन इट इज़ सिटिंग ऑन डेस्क सो इफ़ यू वर टू रीड दैट फाइल वो पूरा का पूरा चंक ही पढ़ा जाएगा मे बी इट्स फोर के मे बी इट्स एट के मे बी इट्स सिक्सटी फोर के वो चंक पढ़ के लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो उससे कम हो सकता है ये जो आपके फंक्शंस हैं टेल जी और सीख जी ये आपको बता सकते हैं कि जी फाइल की एक्चुअल डेटा लेंथ कितनी है उसके लिए वट वुड यू डू यू वुड ओपन द फाइल एंड यू वुड से सीख जी करके एंड पे चले जाओ कैसे जाएंगे देखें सीख जी क्या करता है उसको आप बताते हैं कितनी बाइट्स मूव करनी है और कहाँ से मूव करनी है तो अगर मैं सीख जी को कहूँ ज़ीरो बाइट्स मूव करनी है और अखीर से मूव करना है तो वॉट विल हैपन इज फाइल पॉइंट विल गो टू द एंड ऑफ द फाइल बिकॉज इट विल मूव जीरो बाइट फ्राम द एंड ऑफ द फाइल एंड बी पोजिशन देयर सो इफ यू से जी कॉमा आई ओ एस कोलन कोलन एंड इट विल पोजिशन अ रीड ओनली फाइल और अ फाइल ओपन फॉर रीडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज टेल जी कॉल करें तो आपको जो लॉन्ग नंबर देगा देट विल बी द एक्चुअल नंबर ऑफ डेटा बाइट रिटर्न इन दैट फाइल सो सीख जी करके अखीर पर चले गए टेल जी बताओ कहाँ पर हो वह बता देगा कि कहाँ पर आप हैं एंड विल बी एक्वलेंट टू द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन फॉर अ स्ट्रिंग इज दीख जी एंड टेल जी कॉम्बिनेशन दैट वी कैन यूज़ विद अभी हम ये सीख जी टेल जी की बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं हम रेंडम एक्सेस फाइल्स की तरफ थोड़ी सी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए इसको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है देखिए हमने एक फ़ाइल लिख दी लेट्स उसके अंदर नाम और एड्रेस लिख दिए हैं कोई एक स्टूडेंट का हमने डेटा लिख दिया नेम सिटी ही बिलोंग्स टू एंड लेट्स से डेट ऑफ बर्थ तीन चीज़ें लिखती हैं सिंपल सी फाइल है और कई स्टूडेंट्स का बीच में डेटा है दरमियान में एक स्टूडेंट है जो सखर में रहता था सो हमने उसका नाम लिखा फिर सिटी का नाम लिखा सखर एस यू के के यू आर और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी और दो महीनों के बाद पता चला कि जिस स्टूडेंट मूव कर गया है अब वो रावलपिंडी में बैठा हुआ है तो अब डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है अब वो जो हमारे पास स्टूडेंट डेटा पड़ा हुआ है उसमें कहीं दरमियान में जाके इस स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इसको कैसे अपडेट करें सीख जी टेल जी करके या फाइल को पढ़ के हम सखर को ढूंढ तो सकते हैं जब हमने ढूंढ लिया क्या वहां पे हम रावलपिंडी लिखते हैं क्या होगा ऑब्वियसली वॉट विल हैपन इज़ के एस यू के के यू आर जो है दे विल बी रिप्लेस बाय द सेम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स फ्रॉम रावल पिंडी रावलपिंडी बड़ा है बट वॉट विल हैपन टू द एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन द वर्ड रावल पिंडी दे विल कंटिन्यू राइटिंग बियॉन्ड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सखर एंड विल प्रोबली ओवर राइड हिज और हर डेट ऑफ बर्थ एंड मे बी इवन ओवर राइट सम ऑफ द रिमेनिंग डेटा सो आपकी फाइल करप्ट हो गई अब वो उस तरह से पढ़ी नहीं जा सकती ना ही उसका वो स्ट्रक्चर रहा है जब आपने लिखा था वो वाला स्ट्रक्चर तो रहा नहीं सो इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डेटा इन टू द मिडिल ऑफ अ फाइल देखें प्रॉब्लम क्या है फाइल हमारी जो है वो डिस्क पर पड़ी हुई है हमने उठाया उसको पढ़ना शुरू किया दरम्यान में गए अब हम कहते हैं यहाँ पर हमने डेटा डाल लें लेकिन डेटा का साइज बड़ा है जो ओरिजिनल डेटा जिसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो कम था और ये ज़्यादा जगह ले रहा है उस तरह से सोचें कि जी डिस्क पे क्या होगा डिस्क पे वी वांट टू हैव सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म जो फाइल को वहाँ से काटे और उसको यूं स्लाइड कर दे ताकि थोड़ी सी बीच में जगह एक्स्ट्रा बन जाए और फिर हम बीच में लिख सकें होता नहीं है यूँ पुराने ज़मानों में भी कोबॉल या बड़े कंप्यूटर्स के अंदर द मैथड यूज टू इंसर्ट डेटा इन द मिडल ऑफ अ फाइल वॉज अ मर्ज मैथड करते क्या थे और आप भी देख लें लॉजिक इसका यही है कि जी जहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं बिगिनिंग से लेके कर वहाँ तक का डेटा उठा के दूसरी फाइल आप एक खोल के उसमें लिखना शुरू कर दें सो आपने एक फ़ाइल अपनी ओरिजिनल डेटा फाइल खोली एक नई एम फाइल खोली शुरू से कॉपी करना शुरू कर दिया इस फ़ाइल के अंदर जब तक आप उस पोजिशन पर नहीं आते जहाँ पर आप डेटा डालना चाहते हैं जब उस पोजिशन पर आए तो नई फाइल के अंदर वो अपना नया डेटा डाल दिया जब वो डल गया तो पुरानी जो लिखी हुई फाइल थी उससे वो जंप किया जो डेटा अब आपको नहीं चाहिए और उसका बाकी वाला हिस्सा वो इस फाइल में कॉपी कर दिया दिस इज़ द ओनली रियल वे ऑफ पुटिंग डेटा इन द मिडल ऑफ अ फाइल ओके एंड देन यू कैन क्लोज बोथ फाइल्स इरेज द फर्स्ट वन एंड री द सेकेंड वन और वट यू वॉन्ट टू डू दिस वॉज डन इन द ओल्ड डेज एंड इवन नाउ इट्स अ वेलिड टेक्नीक डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेटा हाउ मैनी फाइल्स कितनी इंसर्शन करनी है लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो वेरी वेस्टफुल बहुत टाइम और एफर्ट ज़ाया होता है अगर आपने एक फ़ाइल जो है उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आप पूरी फाइल कॉपी करने लग पड़े थिंक अबाउट इट फाइल कुड बी सेवरल मेगाबाइट्स और इवन गिगा इन साइज तो उसके अंदर एक लफ्स बदलने के लिए आप पूरी गिगा की कॉपी कर रहे हैं सो वी मस्ट हैव सम अदर मैकेनिज्म बाय बाईविच वी कैन रैंडमली रीड एंड राइट डेटा विद इन अ फाइल एंड नॉट हैव अ डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली इसका आंसर तो बनता है कि जी रैंडम एक्सेस फाइल हमारे पास होनी चाहिए और उसकी कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके तहत हम जब ये अपडेट्स करें वो फाइल ख़राब ना हो सी या सी प्लस प्लस जो है ये फाइल के ऊपर अपनी तरफ से कोई स्ट्रक्चर इम्पोज नहीं करती द लैंग्वेज डज नॉट इम्पोज एनी स्ट्रक्चर इन द फाइल एज फार एज दीज लैंगज आर कंसर्न अ फाइल इज़ नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बाइट्स लिखी हुई हैं जी उसमें अंग्रेजी हो डेटा हो बाइनरी हो लैंग्वेज को उसके साथ कोई गर्ज नहीं है इट थिंक्स ऑफ इट एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स ना ऑब्वियसली इफ़ वी वॉन्ट एन अपडेटेबल फाइल स्पेशली इसी तरह की जैसे मैंने कहा कि जी स्टूडेंट रिकॉर्ड तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जी हर स्टूडेंट का जो डेटा है वो एक जितनी जगह जो है ना वो ऑक्यूपाई करे अगर किसी का डेटा कम होगा किसी का डेटा ज़्यादा होगा तो यही अपडेट्स के मसले रहेंगे इवन इफ वी एक्सेस द फाइल रैंडमली सो वॉट वी वॉन्ट टू डू फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ मेक श्योर दैट द साइज़ ऑफ ईच स्टूडेंट्स डेटा इज आइडेंटिकल इन द फाइल उसके बाद अगर हमने काफ़ी जगह छोड़ी हुई है तो जगह ज़्यादा छोड़ दी उसके अंदर सखर लिख दिया सखर को उठा कर रावलपिंडी कर दिया कल को उसको मीरपुर कर दिया कोटा कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइल का साइज नहीं बदलेगा सो दैट इज़ द की एलिमेंट कि जी इफ यू यूज़ अ कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ डेटा फॉर अ रिकॉर्ड फॉर रिप्रजेंटिंग इन्फॉर्मेशन then you can update data right in the middle of the file and not affect anything else. Normally, इस किस्म की फाइलें जो है उनके अंदर हम कोई की भी रख लेते हैं डेटा बेस्ड टर्मिनोलॉजी द की टू अकॉर्ड विच मीन को रिकॉर्ड ढूंढना आसान हो जाए इसी एग्जाम्पल को ले लें अगर हमने उसमें लिखा हुआ था स्टूडेंट का नाम उसका शहर और उसकी डेट ऑफ बर्थ तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं अगर हम कहते हैं कि जी लेट से जमील अहमद का रिकॉर्ड जो है उसको सखर से रावलपिंडी ले जाओ तो वी वुड हैव रिटन अ लूप विच सेड नाम पढ़ो और उसको कंपेयर करो टू तो जमील अहमद एंड इफ़ दिस इज़ द सेम जमील अहमद या मैच हो जाए तो फिर आगे काम किया जाएगा इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन उसके लिए इट वुड बी नाइसर अगर हम स्टूडेंट्स के साथ हम एक सीरियल नंबर भी चला देते जो यूनिक होता हर स्टूडेंट के लिए नाउ दैट कुड बी योर रोल नंबर Or your ID number. So, अगर वो होता है नॉट जस्ट जमील अहमद स्टूडेंट नंबर थ्री की सिटी को सखर से रावलपिंडी कर दो नाउ नॉट दैट यू नो कंपेरिजन नहीं का हमने करना पड़ा लेकिन इट बिकम्स इजियर इट बिकम्स इवन मोर इजी इफ द फाइल इट सेल्फ इज सॉर्टेड इन अदर वर्ड अगर वो इन आई डी नंबर पर शॉर्टेड हो और हमें यह भी पता हो कि जी एक दो तीन चार ये सारे वैलिड आईडी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के या की है इनटू दिस फाइल इसके अंदर कोई होल्स नहीं हैं यानी अगर सौ स्टूडेंट्स का डेटा है तो पहले रिकॉर्ड का नंबर वन है और अखीर वाले का सौ है कुछ और कंडीशनस अगर डाल दी जाए तो लोकेट करना डेटा को इन अ फ़ाइल बिकम्स वेरी वेरी ईजी लेट्स थिंक अबाउट दिस एग्ज़ाम्पल लिटल बिट मोर देखिए हमने कहा कि जी हम स्टूडेंट्स का डेटा अब सौ बाइट्स में रखेंगे ठीक है ना सौ बाइट्स में उसका नाम भी आ जाएगा शहर भी आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ लेट्स लेस दैट और साथ हमने उसके साथ एक सीरियल नंबर भी लगा दिया और सीरियल नंबर भी इन्हीं सौ बाइट्स के अंदर शामिल है अब अगर मैं कहूँ कि जी ट्वेंटी थर्ड स्टूडेंट का डेटा लाया जाए तो कैसे करेंगे एक तरीका तो वही है जो हम अभी बात कर रहे थे फोर्स टेक्निक के जी ऊपर से पढ़ना शुरू कर दो और जब तक उसका आईडी नंबर या की जो है या सीरियल नंबर वो 23 के बराबर नहीं होता फाइल में आगे को पढ़ते जाओ इस पे सपोज वी एडिड दीज कंडीशन के जी ई स्टूडेंट्स डेटा कंसिस्ट ऑफ 100 हंड्रेड इट इज इन ऑर्डर विच मीन्स वन कम्स बिफोर टू विच कम्स बिफोर थ्री एंड सो ऑन इट हैज नो होल्स यानी वन और टू के बाद थ्री ही आएगा फोर नहीं आएगा यानी थ्री का रिकॉर्ड ही मिसिंग है इट वी सिक्वेंशल वन टू थ्री फोर फाइव अगर ये सारी कंडीशंस हमारे पास हों तो कैन वी थिंक ऑफ अ क्विक वे ऑफ फाइंडिंग द ट्वेंटी थर्ड स्टूडेंट डेटा वेल द आंसर इज ऑबियस कि जी हमें पता है एक स्टूडेंट का डेटा कितना है तो पहले 22 स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो 22 टू टाइम्स वन हंड्रेड बाइटी टू हंड्रेड बाइट आप गुजार दें और टू टू जीरो बाइट जो है ठीक है दो हजार दो सौ एकवीं बाइट वहाँ से तेईसवें स्टूडेंट का डेटा शुरू होगा सो हाउ डू वी गेट देयर सीख जी सिंपल ठीक है ना सीख जी को कहें कि जी टू टू जीरो वन बाइट सीख करो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल वन कमांड जंप्स राइट देयर नो वेस्टफुल इफ एंड कंपेरिजन्स नो वेस्टफुल रनिंग थ्रू अ लूप ट्राइंग टू गो देयर यू जंप स्ट्रेट टू द पोजिशन यू हैव द डेटा फिर डेटा का अपना स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि जी नाम हमने थर्टी कैरेक्टर्स में रखा हुआ है शहर का नाम भी हमने थर्टी कैरेक्टर्स में रखा हुआ है बिगनिंग वाले दस कैरेक्टर्स जो हैं वो रखे हुए हैं सीरियल नंबर के लिए और अखीर वाला हिस्सा जो है वो हमने रखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ के लिए सो नाउ यू कैन गो इन साइड द स्टूडेंट डेटा एंड चेंज और अपडेट एनी थिंग यू वॉन्ट ठीक है ना यू कैन यू कैन एड सफिक्री फिक्स टू द नेम यू कैन चेंज द स्टूडेंट सिटी यू कैन करेक्ट द डेट ऑफ बर्थ इट वॉज इफ इट वॉज एरोनियसली एंटर्ड इन सो ऑन सो सीक जी अलाउज़ यू टू जम्प टू एनी पोजिशन इन द फ़ाइल ऑब्वियसली सीक जी इज़ बीग यूज फॉर रीड फाइल्स इन फाइल्स एंड सीक पी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आउटपुट फाइल्स लेकिन याद रहे पिछले लेक्चर से भी अगर हमने फाइल खोली थी एफ स्ट्रीम के साथ यानी हमने उसको डिक्लेयर किया था एज़ एफ स्ट्रीम टाइप ऑफ फाइल दैन इट कैन बी ओपन बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट तो इस किस्म की अपडेट्स जो हैं वो हम एफ़ स्ट्रीम टाइप ऑफ फाइल के साथ कर रहे होते हैं आई एफ़ स्ट्रीम वाली फाइल जो है उसके अंदर तो अपडेट आप कर नहीं सकते ओ एफ़ स्ट्रीम वाली फाइल को आप पढ़ नहीं सकते सो नॉर्मली इनपुट आउटपुट जब आपने करना हो एक ही फाइल के अंदर तो हम उसको एफ़ स्ट्रीम के साथ खोलेंगे और उसके साथ क्वालिफायर भी देंगे ओपन के साथ कि इट इज़ आई ओ एस कोलन कोलन इन और वो जो पाइप का सिंबल होता है वर्टिकल बार जो है आई ओ एस कोलन कोलन आउट ये हम क्यों और कर रहे हैं उनको देखें और का आपको लॉजिक याद होगा वन और ज़ीरो इज़ वन ज़ीरो और वन इज़ वन वन और वन इज़ वन अगर दो बाइट्स जो हैं उनके अंदर जीरोज़ और वन के कुछ पैटर्न पड़े हुए हैं उनको हम आपस में और करते हैं ठीक है सो बिट बाय बिट औरिंग हो जाती है जिस बाइट में भी वन लिखा हुआ था वो रिज़ल्ट में वन लिखा ही जाता है अब अगर आप इन को देखें कि आई ओ एस कोलन कोलन इन और आउट जो हैं क्या चीज़ चीज़ें दे आर एक्चुअली नंबर्स इन मेमोरी दे रिप्रेजेंट फ्लैग्स हर बिट पोजीशन कुछ बता रही है कि ये फ़ाइल इनपुट के लिए इस्तेमाल होगी कि आउटपुट के लिए होगी सो so, इनपुट के लिए एक और बिट है आउटपुट के लिए एक और बिट है इनको जब हम और करते हैं तो रिजल्टेंट के अंदर दोनों बिट सेट हो जाती हैं विच बेसिकली टेल्स द इनपुट आउटपुट सिस्टम कि ये फाइल इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होगी और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होगी इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप ये जो क्वालिफायर्स हैं फाइल ओपनिंग के लिए उनको कईयों को और कर सकते हैं ठीक है रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अ केस ऑफ एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट हालांकि हम चाहते ये हैं टू ओपन द फाइल फॉर इनपुट एंड आउटपुट हम उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें आई यू एस कोलन कोलन इन और आई यू एस कोलन कोलन आउट करना पड़ता है वंस वी डू दैट वी कैन यूज़ अ फाइल फॉर इनपुट एंड आउटपुट ओके लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हेयर लिटल बिट एंड सी के जी इन सारी ट्रिक्स को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एक तरीका तो हमें एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि जी फाइल के दरमियान में कुछ डेटा अपडेट करना है व्हाट अबाउट इफ़ वी नो एग्जैक्ट थिंग्स एंड वी वांट टू रिप्लेस अ फ्यू कैरेक्टर्स इन अन्टेंस वेल थिंक ऑफ द लॉजिक फर्स्ट इट्स ऑलवेज हैज़ टू डू विद लॉजिक एंड एनालिसिस कि जी एलग्रिदम क्या होगा हमने लिख दिया दिस इज़ एन apple. हम इसको चेंज करना चाहते हैं टू दिस इज़ अ साम्प इंटरेस्टिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो बराबर है ये फाइल में पड़ी हुई है तो so, अब आपको करना क्या है कि जी एक फाइल बनाएं उसमें लिख दें दिस इज़ एन एप्पल फिर उसको सीक जी करके आप पता करें कि जी कहाँ पे आप मतलब टेल जी के साथ पता करें और सीख जी के साथ मूव करें और फिर उतनी सी बाइट्स लिखते हैं जो कि एन एप्पल को अ सैंपल में तब्दील कर दें ठीक है ना ट्राई टू प्ले विद दैट सो देर ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद इट लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग रीडिंग अ फाइल वी डिड दैट लास्ट टाइम हमने कहा कि जी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ के आप दूसरी फाइल में लिख सकते हैं स्क्रीन पे फेंक सकते हैं एंड सो ऑन एंड द फंक्शन वी यूज फॉर दैट पर्पस वाज गेट इस वक्त अगर फ़ाइल को आपने रीड करके किसी और फाइल में राइट करना है तो यू ऑलरेडी हैव अनाफ टूल्स यू कैन गेट वन बाइट एट अ टाइम फ्रॉम वन फाइल एंड पुट इट इनटू द अदर फाइल सो यू हैव इनपुट माई इनपुट फाइल डॉट गेट सी सी इज़ अ कैरेक्टर एंड दूसरी तरफ होगा माई आउटपुट फाइल डॉट पुट सी तो एक फ़ाइल पढ़ी जाएगी लिखी जाएगी I mentioned last time that this is also a very inefficient way of doing things, chunks of data efficient. Can we handle more data than a single byte or a single line? The answer is yes, we can use the read and write functions. ये भी हमारे लिए प्रोवाइडेड हैं इन्हीं स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स के साथ या स्ट्रीम फंक्शंस के साथ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स के साथ रीड जो है उसको हम एक एरे या समझ लें मेमोरी में जगह बताते हैं इस जगह पे लिखना पढ़ पढ़ के यहाँ पे बाइट्स लिख दो और साथ हम बताते हैं कि जी कितनी बाइट्स लिखनी है या पढ़नी है ओके सो वी से रीड और आगे एक मेमोरी लोकेशन बताते हैं यूजुअली इट्स एन एरे comma, and the number of bytes to be read and put into that array now depending on your computer's memory you can have a very large number sitting over here you could have 64000 or actually you could have 65, 64k 64k is 2 to the power something so it is not 64000 our computer language ke andar. it is 65536 इसकी अच्छी चीज़ यह है कि जी डिस्क रीड राइट्स आजकल जो मॉडर्न डिस्क हैं वो सिक्सटी फोर के के चंक्स में कम अज़ कम ज़रूर पड़ती हैं कई डिस्क हैं वो तो बफरिंग करके इससे भी ज़्यादा पे चली जाती हैं लेकिन दैट मीन्स वन कमांड टू द डिस्क रिमेंबर फ्राम लास्ट टाइम आई सेड कि जी अ फ्यू मिली सेकेंड्स आर यूज अप इन ट्राइंग टू एक्सेस द डिस्क सो वन यूज़ ऑफ अ फ्यू मिली सेकेंडस एंड यू गेट सिक्सटी फोर थाउजेंड या सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स टू बी मोर एक्यूरेट बाइट्स बैक so you can do a lot of fast reads and writes. what you should do is you should write two programs. एक प्रोग्राम program जो है वो get के साथ फाइल को पढ़े और put के साथ दूसरी फाइल में लिख दे फाइल जो है अपने लिए बना लें ठीक है ना Notepad पैड इस्तेमाल कर लें या वर्ड पैड इस्तेमाल कर लें मेक इट अ सिंपल कैरेक्टर फाइल हर लाइन के ऊपर आप लिख दें ए से लेके कर जेड तक जीरो से लेके कर टेन तक या नाइन्थ तक एट्सट्रा डेटा डालें कॉपी पेस्ट कर कर के ना फाइल को बड़ा कर ले जब आप थक जाएंगे ना कोई सौ को लाइनें हो जाएंगी ओके okay? आप क्या करें तो उनको सारों को सिलेक्ट करें कॉपी करें और फिर अखीर पर पे जा पेस्ट कर दें तो सौ लाइनें पेस्ट हो जाएंगी डू दिस सो यू हैव अ हेल्दी साइज फ़ाइल ओके सो यू हैव अ फाइल ऑफ अ फ्यू के अगर जो आप में से ज़्यादा एडवेंचरस हैं वो प्रोग्राम लिख के ये एक फ़ाइल बना लें अपने लिए काफ़ी सारी बड़ी हो मतलब थर्टी के फोर्टी के सिक्सटी के की कम अज कम हो प्रेफरेबली इवन बेगर ना वॉट यू वॉन्ट टू डू इज़ टू रीड दिस फाइल यूजिंग गेट एंड राइट इट इन टू अनदर फाइल यूजिंग पुट और साथ आप घड़ी से टाइम देखें कि जी कितना लगा प्रॉब्लम यही है कि आज कल के कम्प्यूटर्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो यूजली आपको पता नहीं चलेगा जी कितनी जल्दी ये जो है ना आपने फाइल का, का काम कर लिया है अगर आप चाहें तो टाइम का फंक्शन भी है जिससे आप टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर से

कैसे करेंगे पहले तो आप एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर लें ठीक है ना चार स्ट्रिंग लेट्स से टेन थाउजेंड होपफुली अगेन कंप्यूटर मेमोरी आपको लिमिट नहीं करेगी आप दस हजार कैरेक्टर्स की एरे डिफाइन कर सकेंगे उसके बाद जो इनपुट फाइल है उसका आप रीड फंक्शन कॉल करेंगे सो यू विल से माई इनपुट फाइल डॉट रीड पहले आप इस एरे का नाम देंगे लेट्स से एरे का नाम हमने एस रखा हुआ है तो so पैरेंथिस के अंदर एस टी आर कॉमा और फिर आप टेन थाउजेंड लिख देंगे दैट मीन्स रीड टेन थाउजेंड बाइट फ्राम दिस फाइल ये पढ़ के एस टी आर के अंदर स्टोर कर देगा इसी को लिखने के लिए यू वुड यूज़ माय आउटपुट फाइल इफ़ दैट इज़ द आउटपुट फाइल दैट यू आर क्रिएटिंग माय आउटपुट फाइल डॉट राइट फिर उसका स्ट्रिंग का नाम दे दें मतलब एरे का नाम और फिर आप उसको कह दें कि जी दस हज़ार बाइट्स इधर लिखो नाउ इफ़ यू रन दिस थ्रू अ लूप यू विल फाइंड आउट दैट इट वर्क मच फास्टर ठीक है ना एक तो नंबर ऑफ कॉल्स कम हो जाएंगी दस हज़ार गेट्स की जगह पर एक रीड इशू हो रहा है सो प्रोसेसर टाइम वगैरह कम इस्तेमाल हो रहा है दूसरा जो एफिशेंसी जो आ रही है वो फिजिकल डिस्क रीड और राइट से आ रही है कि जी वहाँ पर भी आपको हीज अमाउंट ऑफ एफिशेंसी मिल सकती है जो इसमें फाइन पॉइंट्स हैं वो आपको आई विल लीव फॉर यू टू डिस्कवर फाइन पॉइंट्स ये हैं कि जी क्या आपकी फाइल एग्जैक्टली दस हजार के मल्टीपल्स की है यानी या बीस हज़ार केरेक्टर्स की है या तीस हजार की या चालीस हज़ार की वॉट इफ़ द लेंथ ऑफ द फाइल इज ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव बाइट आंसर इज ये इट विल वर्क बट यू हैव टू फिगर आउट वॉट हैपन्ड वाई एंड वाली जो रीड की कॉल है उसने दस हजार बाइट्स पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी

इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं वा वाई नाट ट्राई टू कॉपी अ फाइल इन रिवर्स दिस इज इंटरेस्टिंग लॉजिक कि जी हम एक टेक्स्ट फाइल पढ़ी हुई है उसको खोलना चाहते हैं और खोल के पढ़ के उसको इन रिवर्स लिखना चाहते हैं नई फाइल के अंदर विच मीन्स सबसे अखीर वाली बाइट सबसे बिगिनिंग पे आए उससे पिछली बाइट नेक्स्ट आए आउटपुट फाइल में उससे पिछली बाइट नेक्स्ट आए आउटपुट फाइल में इसी तरह चलते चलते जो इनपुट फाइल की पहली बाइट थी वो आउटपुट फाइल की आखिरी बाइट बन जाए बाइट और कैरेक्टर एम यूजिंग दैम इंटरचेंजेबली हाउ वुड बी डू दिस वट इज़ द लॉजिक बिहाइंड रनिंग सच अ प्रोग्राम क्या ख्याल है लेट्स ओपन द इनपुट फाइल खुल गई इनपुट फाइल डॉट ओपन साथ नाम दे दिया अब कहाँ जाए एक तरीका है कि जी इसके अखीर पे जाया जाए और एक एक कैरेक्टर पीछे को पढ़ा जाए राइट सो दैट्स अ गुड लॉजिक जो कैरेक्टर पढ़ा वो आउटपुट फाइल में आउटपुट कर दिया सो लास्ट गोज फर्स्ट सेकेंड लास्ट गोज सेकेंड एंड सो ऑन लॉजिक इज फाइन लिटिल ट्रिक इज हाउ डू यू गो टू द एंड ऑफ द फाइल आई थिंक वी ऑलरेडी कवर्ड दैट इन दिस लेक्चर लेट्स लेक् सीक जी इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं सीक जी जीरो ओ एस कोलन कोलन एंड सो ये फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड पे पोजीशन कर देगा लेकिन रिमेंबर व्हाट डज सी जी डू इट पोजिशन द पॉइंटर टू द पोजीशन जहाँ से आप नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे हमने कहा है पोजिशन इट टू जीरो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल सो इट पोजिशन इट एट द एंड ऑफ द फाइल कैन वी रीड द नेक्स्ट बाइट नेक्स्ट बाइट हमेशा आगे को पढ़ी जाती है इट डजन वर्क सो वट शुड वी डू वी शड पोजिशन इट वन बिफोर द लास्ट बाइट सो यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द एंड यू वॉन्ट टू गो माइनस वन कॉमा आई ओ एस कोलन कोलन एंड एक तो ये थोड़ी सी ट्रिकी बात होगी कि आखिरी बाइट को पोजिशन करने के लिए इट इज वन बिफोर द एंड ऑफ द फाइल यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो ये बाइट पड़ी जाएगी जब भी बाइट पड़ी जाती है जब भी कोई कैरेक्टर आप फाइल से पढ़ते हैं तो फाइल पॉइंटर आगे को चल जाता है ठीक है सो इट मूव वन पोजिशन इट्स नाउ रेडी टू रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर इसी को अगर देखें कि हमने एंड से एक पहले हमने पोजिशन कर लिया अब हमने एक कैरेक्टर पढ़ा तो ये पॉइंटर कहाँ चला गया इट वेंट टू द एंड ऑफ द फाइल अगेन बट नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर वी वॉन्ट टू रीड इज दिस वन द सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल सो वट शुड वी डू एंड पे जाके हमने अब माइनस वन और माइनस टू तक मूव करना है बट एंड से माइनस वन माइनस टू ही मूव करेंगे यानी माइनस टू फ्रॉम द एंड और शुड वी यूज समथिंग एल्स वी ऑलरेडी नो वॉट एल्स टू यूज द अदर वन इज करेंट पोजिशन सो अगर आप करेंट पोजिशन से माइनस टू मूव करेंगे यू विल बी रेडी टू रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर देखें क्या होगा सबसे पहले हमने फाइल खोली हमने एंड पे गए और एंड से माइनस वन पे पोजिशन कर लिया कैरेक्टर पढ़ा तो आप एंड पे चले गए अब एंड को भूल जाएं कहीं ये हमारी करेंट पोजीशन है इससे मूव करें माइनस टू तो इट विल गो वन बिफोर द कैरेक्टर दैट यू जस्ट रेड यू रीड दिस कैरेक्टर यू कम टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल दैट इज़ नाउ योर करेंट पोजीशन। यू गो माइनस टू अगेन सो यूल गो टू थर्ड लास्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन सो लिटिल बिट ट्रिकी बट इंटरेस्टिंग लॉजिक आखिरी कैरेक्टर पढ़ना है तो एंड से माइनस वन पे पोजीशन करें उससे पिछला कैरेक्टर पढ़ना है आफ्टर रीडिंग द नेक्स्ट द लास्ट कैरेक्टर पोजीशन इट टू बिफोर द करेंट पोजीशन। सो आपको जो लूप चलानी है वो इस तरह की है कि करेंट पोजीशन से माइनस टू पे मूव करें ख़त्म कहाँ करना है ख़त्म करना है बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर इस पर भी देखें क्या लॉजिक लगता है जब आप सेकेंड कैरेक्टर पर पहुँचते हैं सेकेंड कैरेक्टर इज एट पोजिशन वन इन द फाइल बिकॉज पोजिशन जीरो इज द फर्स्ट कैरेक्टर सो यू गो सेकेंड कैरेक्टर जब पढ़ा यूर एट पोजिशन नंबर थ्री यू गो माइनस टू यू गो टू पोजिशन वन सॉरी यू एट सेकेंड कैरेक्टर विच इज़ पोजिशन वन इन द फाइल आपने वो पढ़ा तो यू गो टू पोजिशन नंबर टू इन द फाइल यू गो माइनस यू गो टू पोजिशन जीरो जब पोजिशन जीरो से आपने पढ़ा तो आप पोजिशन वन पे आ गए अब माइनस टू पे जा सकते हैं यू कॉन्ट गो टू पोजिशन माइनस वन इन द फाइल सो जो आपकी लूप का टर्मिनेशन है हैज़ टू लुक फॉर दिस पोजिशन ठीक है कि जी फाइल की करेंट पोजिशन कहाँ है और कहाँ तक ये लूप चलानी है सो ट्राई टू वर्क द लॉजिक आउट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट एंड सी इफ यू कैन मूव द फाइल और कॉपी द फाइल फ्रॉम वन टू द अदर इन रिवर्स ऑर्डर टाइम उतना ही लगेगा विच मीन्स यू हैव टू यू हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट सीक जी इज़ क्वाइट फास्ट ठीक है ना इसके अंदर इट इज़ एब्सोल्यूट मूवज इसके अंदर ज्यादा देर नहीं लगती जस्ट जनरली इफ स्टेटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव रिमेंबर दैट कम्प्यूटेशन वाइज जब भी इफ करते हैं वो कई प्रोसेसर के साइकिल लगते हैं इफ को कम्प्यूट करने के लिए सिक्वेंशियल रीड इज़ फेयरली फास्ट बट इट्स टीडियस अब सोमी पोजिशन पर जाने के लिए एक एक करके आपको सौ दफ़ा रीड करना पड़ेगा बिफोर वी गो देर If you go seek to the hundredth position, it is very fast as compared to a sequential read. Maybe it takes some amount of computer resource, but definitely in comparison to what else you can do, it is very, very fast. Now, in terms of speed, obviously I mentioned earlier, read and write are like the fastest you can do. So when you're wanting to read big chunks of a file and you have enough RAM to do so, memory kafi hai. तो फिर रीड इस्तेमाल करें और इसी तरह लिखने के लिए राइट इस्तेमाल करें मैंने आपको रीड और राइट का बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि ये एक स्ट्रिंग ले लें ले और नंबर ऑफ बाइट्स बता दें एक्चुअली इट इज़ मोर जनरल देन दैट अगर आप बुक में देखेंगे तो वो एक गंभीर सी उन्होंने एक्सप्रेशन दी हुई है री इंटरप्रेट कास्ट फिर पैरेंथिस के अंदर कॉन्स चार पॉइंटर फलाना फलाना इसे घबराने की जरूरत नहीं है एक्चुअली वॉट इज हैपनिंग इज कि जी रीड के लिए भी आप उसको हमने एरे इस्तेमाल की थी तो याद होगा एरे क्या होता है एरे का नाम जो है इट्स अ पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ द एरे सो बेसिकली जो रीड फंक्शन है इट रिक्वेस्ट्स um, uh, क्या कहना चाहिए अ पॉइंटर टू द बिगनिंग ऑफ अ मेमोरी लोकेशन एंड देन इट रिक्वायर्स कि जी कितनी बाइट्स पढ़नी है ठीक है सो इट्स अ सिंपल पॉइंटर इशू तो so, जब ये री इंटरप्रेट कास्ट और कौनस चार पॉइंटर वगैरह आ रहे हैं राइट के साथ और रीड के साथ जो है वो कौनस नहीं आता सिर्फ चार पॉइंटर आ जाता है वॉट दीज फंक्शन आर एक्सपेक्टिंग इज़ द एड्रेस एंड देन अ नंबर अ नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रेड और रिटन ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर कोई एबसोलूट नंबर्स या कोई मैजिक नंबर्स इंट्रोड्यूस ना करें सो इफ़ आई वॉन्ट टू राइट एन इंटीजर इन टू अ फाइल Especially, achha, read and write, by the way, are binary functions. They write in binary. They do not write characters. So you have to be very aware of that, and that is the usefulness when we combine this with random access. Anyway, when we want to write an integer into a file, or we say that it will take four bytes on our machines, so rather than writing something like my output file dot write, and i एंड आई मीनस द एड्रेस ऑफ द इंटेजर कॉल्ड आई याद होगा आपको एड्रेस ऑपरेटर है कॉमा फोर इसमी चार बाइट्स में इसको लिखो चार बाइट्स में इस वास्ते आई ऑक्यूपाइज फोर बाइट इन मेमरी इससे बेहतर तरीका जो है लिखने का वो ये है कि जी फोर हमें ना लिखना पड़े हम कोई फंक्शन ही कॉल करें जो कि एग्जैक्टली exactly बता दें कि जी इंटेजर कितनी जगह लेता है मेमरी में वो जो फंक्शन है वो है साइज ऑफ साइज़ ऑफ़ इज़ अ स्टैंडर्ड फंक्शन। एस आई जेड ई ओ एफ आप ये करते हैं कि जी समथिंग डॉट राइट फिर आपने एड्रेस दिया उस वेरिएबल का कॉमा साइज ऑफ नेम ऑफ़ द वेरिएबल अब इसका फ़ायदा क्या है आज i जो है वो इंटीजर है तो वो साइज़ ऑफ i जो है मीन साइज ऑफ़ इंटीजर इच विल रिटर्न फॉर वो चार बाइट्स में उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन लिख देगा अगर i की जगह पे आप x लिख देते हैं और x है एक डबल प्रिसजन नंबर तो आप लिखेंगे साइज ऑफ़ एक्स वो क्या करेगा कि जी डबल प्रिसजन की जितनी भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो आठ बाइट्स में लिखता है या बारह बाइट्स में लिखता है हमें अब उसके साथ कोई गर्ज नहीं है वो उसको देख लेगा उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या और उतनी बाइट्स में उसको लिख देगा ना ऑब्वियसली दिस डज़ नॉट मीन कि आपकी लिखी हुई फाइल किसी और कंप्यूटर सिस्टम यानी आप पी सी पर लिखें और फिर क्रेज सुपर कंप्यूटर पर पढ़ना चाहें तो वो एक्जैक्टली exactly पढ़ी जाएगी बिकॉज़ दे हैव डिफरेंट रिप्रजेंटेशन but the advantage is that without knowing how much space is occupied by a particular data type on our machines we can write these programs they become in a way slightly more independent of the compilers and of the particular breed of machine that you're working with so size of abiham or bhi is function ko karte it's a very very useful function and you can actually play with it and say ke आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लें उसमें इंट भी डिक्लेयर कर दें चार भी कर दें डबल भी कर दें फ्लोट भी कर दें और कुछ उन्हें डालें ना सिर्फ साइज़ ऑफ प्रिंट करा लें सो so, जब याद होगा हमने बिगिनिंग के लेक्चर्स में मैं हमेशा आपको आई डेंट वॉन्ट टू कमिट कि जी इंटीजर इतनी बाइट्स लेता है दिस इज़ नाउ द टाइम वेद यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि आपकी मशीन पर इंटीजर कितनी बाइट्स में रिप्रजेंट होता है मेमरी में कैरेक्टर कितनी बाइट्स में होता है डबल कितनी बाइट्स में होता है एंड सो ऑन सो प्ले विद इट राइट योर लिटल प्रोग्राम्स ताकि आपको पता चले कि कैसे हो रहा है सो रीड एंड राइट के साथ हम अगर एक हमारे पास वेरिएबल है तो उसका एड्रेस दे देते हैं और साथ उसका साइज ऑफ़ करके दे देते हैं तो रीड राइट काम कर जाते हैं हाँ उसके साथ हमने वो चार पॉइंटर वगैरह लिखना है री इंटरप्रेट कास्ट लिखना है जो आपको बुक में मिलेगा एक्चुअली दिज कंपाइलर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट दे डू देट फॉर यू सो so, अगर आप ना भी लिखेंगे रिजल्ट ठीक ही होगा वो खुद ही उसके ऊपर कास्ट डाल के उसको पॉइंटर को कन्वर्ट कर देगा कि दिस इज नॉट जस्ट अ पॉइंटर टू एन इंटीजर इट इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर के इंटीजर को लेकर हमने कन्वर्ट करके करके फिर उसको चार बाइट्स में लिख दिया नाउ हैविंग सेड दिस यू शुड नाउ ट्राई टू राइट राइट इन टू अ फाइल यूजिंग द राइट फंक्शन ठीक है सो ओपन अ फाइल और इसके अंदर कोई लूप चला के इंटीजर्स को लिखें आप इस तरीके से जब वो लिख लेते हैं लेट्स से कि जी फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस तेन हंड्रेड आई इंक्रीमेंटेड माई आउटपुट फाइल डॉट राइट एंड आई कॉमा साइज ऑफ आई और माई आउटपुट फाइल डॉट क्लोज जो भी माई आउटपुट फाइल को आपने ऊपर ओपन में नाम दिया था देखें आपकी डिस्क पे वो फाइल बनी हुई मौजूद होगी उसको नोट पैड में खोलें देखें क्या नजर आता है क्या आपको वो आई की वैल्यू जीरो से लेके 99 तक नजर आती हैं माय माई गैसेज फाइंड समथिंग टोटली डिफरेंट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड द क्लू इट लाइज इन द फैक्ट कि दिस वाज अ बाइनरी राइट इट इज़ मोर लाइक द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटेजर्स नॉट द थिंग दैट वी सी ऑन द स्क्रीन सो प्ले विद दिस एन एक्सपेरिमेंटल ऑट आज हमने फाइल हैंडलिंग के ऊपर और काफ़ी सारी बातें की We spoke about access methods, how I mean a little bit of techniques about how to put data into the middle of a file, the concept of trying to have the same number of bytes in a record so that the file becomes more ordered, and how you can either use the old world technique of copying half of a file, making a change, and copying the rest of the file, or using equal length records, jumping to the correct record and updating the data, okay? lots of stuff. बाइनरी फ़ाइल्स के ऊपर हमने एंड के ऊपर थोड़ी सी बात की है कि रीड एंड राइट आर बाइनरी फंक्शन एंड दे ट्राई टू रिप्रजेंट द इंटरनल वैल्यूज़ एंड पुट दिन टू अ फ़ाइल जब आप कोई चीज़ राइट करेंगे उसको जब आप फाइल रीड के साथ पढ़ेंगे तो वो करेक्टली रीड होगी हाँ वो नोट पैड में शायद आपको ना समझ आए कि क्या हो रहा है जो मैंने स्पेसिफ़िक एग्जाम्पल दिया है ज़ीरो से लेके कर हंड्रेड तक उसको तो आप ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उस फाइल को आप रीड करने की कोशिश करें ओके यूज़ द रीड इन टू एंड इंटेजर प्रिंटेड आउट टू द स्क्रीन एंड टेल मी वॉट हैपन्स कैन यू रीड फ्रॉम 0 टू 99 नाइन इंपॉर्टेंट डू इट नंबर टू जो लिमिट्स हैं फॉर लूप की उसको चेंज कर दें 100 टू 200 कर दें फॉर आई इक्वल टू 100, हंड्रेड आई लेस देन टू हंड्रेड इंक्रीमेंट आई राइट करें फाइल को इसी तरीके से उसको रीड करें इन टू द वेरिएबल आई एंड प्रिंट इट आउट ऑन द स्क्रीन अब काम करता है थिंक अबाउट इट maybe go on to the discussion board and discuss what happened over here till, uh, till next time ijazat, khuda hafiz